please subscribe and press the bell icon for more content. हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस एड्रियल टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरीके से इमेज का ड्रेस चेंज करते हैं। बेसिकली ये सब प्रोसेस आप कोई भी एक फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर आसानी से कर सकते हो, और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप आसानी से ड्रेस चेंज कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मेरे पास टू इमेज है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, दो इमेज है मेरे पास। यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज इमेज और यहाँ पर एक कोट का इमेज है। दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों इमेज मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। दोस्तों, आप भी आसानी से इस वाले इमेज को डाउनलोड करते हुए यूज़ कर सकते हो। सिंपली इस वाले इमेज को आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट करने के लिए आप जैसे भी कर सकते हो। दोस्तों, कुछ इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए भी इंसर्ट कर सकते हो, और सिंपली इंसर्ट पर जाकर पिक्चर्स पर क्लिक करते हुए भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, और मैं इस इमेज को यहाँ पर इंसर्ट करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए, फॉर्मेट का ऑप्शन है। दोस्तों, यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देन वार्प टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। वार्प टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का वो फ़ायदा है दोस्तों, इस इमेज को आप जहाँ पर भी ड्रैग कर सकते हो कुछ इस तरीके से। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, देन उसके बाद इस वाले इमेज को आप बैकग्राउंड रिमूव कीजिए सबसे पहले। देन यहाँ पर जाइए रिमूव बैकग्राउंड पर। ध्यान रखें दोस्तों, ये रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 से ऊपर का वर्जन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर इस रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आप लोगों का मिलेगा। नहीं तो आप 2007 वर्जन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर इस वाले रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, देन इस पर क्लिक कीजिए रिमूव बैकग्राउंड पर। यहाँ पर देखिए सिंपली, देन उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसने जितना चाहिए था उतना सेलेक्ट किया है। दोस्तों, यहाँ पर आप इसको यहाँ पर मार्क एरिया टू रिमूव पर क्लिक करते हुए भी इसको इस तरीके से जहाँ जहाँ सेलेक्ट नहीं हुआ है इस तरीके से रिमूव कर सकते हो, और मिस्टेक हुआ तो कंट्रोल जेड कीजिए कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद सिंपली रिमूव बैकग्राउंड पर जाइए और मार्क एरिया टू रिमूव पर। देन इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रैग कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, मैं इसको यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद सिंपली आप लोग क्लिक कीजिए कीप चेंजेस पर। यहाँ पर देखिए कीप चेंजेस पर, यहाँ पर देखिए सारी की सारी बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है दोस्तों इस इमेज को। देन उसके बाद सबसे पहले इस इमेज को क्रॉप कीजिए। यहाँ पर देखिए क्रॉप पर जाइए। यहाँ पर देखिए क्रॉप पर क्लिक कीजिए। क्रॉप पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्रॉप कीजिए। यहाँ पर मैं इतना क्रॉप कर लेता हूँ और इसको भी इस तरीके से यहाँ पर क्रॉप कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर कोट इंसर्ट करूँगा। सब इंसर्ट पर जाकर, पिक्चर्स पर जाकर यहाँ पर देखिए, देन सिंपली यहाँ पर कोट इंसर्ट करूँगा। ये कोट PNG इमेज है दोस्तों, यहाँ पर देखिए। और इसके भी आप यहाँ पर वार्प टेक्स्ट पर जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, वार्प टेक्स्ट पर जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कीजिए सिंपली। देन उसके बाद इस इमेज को आप कुछ इस तरीके से जूम कीजिए। कंट्रोल स्क्रॉल अप डाउन कीजिए तो कुछ इस तरीके से जूम आउट जूम इन हो जाता है दोस्तों पेज का। देन सिंपली इस इमेज को आप यहाँ से कुछ इस तरीके से बड़ा कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ कुछ इस कॉर्नर से पकड़ते हुए, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, और इस तरीके से यहाँ पर सेट कीजिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, मैं इसको यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा रोटेट करना चाहते हो तो आप आसानी से इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हो। मैं सिंपली इसको यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और इस तरीके से कीबोर्ड का एरोज बटन प्रेस करते हुए कुछ इस तरीके से छोटा और बड़ा कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आ रहा हूँ इस तरीके से, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, और यहाँ पर सेट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैंने इस कोट को इस इमेज के अंदर सेट किया है। और सिंपली इस इमेज को, इस कोट को आप क्रॉप भी कर सकते हो। यहाँ पर जाइए क्रॉप पर। यहाँ पर देखिए क्रॉप का ऑप्शन है। देन इस तरीके से सिंपली कुछ इस तरीके से क्रॉप कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, और इस तरीके से यहाँ पर मैं क्रॉप कर रहा हूँ, और इसको भी यहाँ से इस तरीके से क्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से क्रॉप हो चुका है। देन उसके बाद सिंपली इंसर्ट पर जाइए, और एक कोई भी एक बैकग्राउंड देना चाहते हो आप दे सकते हो। इंसर्ट पर जाइए, शेप्स पर जाइए, देन यहाँ पर रेक्टेंगल शेप्स पर सेलेक्ट कीजिए कुछ इस तरीके से। रेक्टेंगल शेप्स यहाँ पर
ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर, देखिए। देन उसके बाद यहाँ पर आप जो भी कलर देना चाहते हो तो दे सकते हो, सिंपली सेव फिल कलर पर जाइए यहाँ पर देखिए, और इस वाले कलर को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ ब्लू कलर को। आप जो भी कलर देना चाहते हो तो दे सकते हो, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, जो भी देना चाहते हो तो दे सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पर लाइट ब्लू कलर दे देता हूँ और इसको मैं आउटलाइन, नो आउटलाइन कर लेता हूँ सिंपली। देन उसके बाद इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। देन उसके बाद सिंपली इस वाले शेप्स को आप सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट कीजिए, यहाँ पर देखिए सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन है, और यहाँ पर स्मॉल आइकन पर यहाँ पर क्लिक करते हुए यहाँ पर देखिए सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कीजिए, यहाँ पर देखिए इस तरीके से बिहाइंड हो जाता है इमेज का। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव और ड्रेस चेंज हो चुका है दोस्तों। इसको आप सेट करना चाहते हो तो इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा बाहर आ चुका है इस कोट का, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से क्रॉप करूँगा, थोड़ा सा आप क्रॉप करना चाहते हो तो आप आसानी से इस तरीके से क्रॉप कर सकते हो। यहाँ पर देखिए इसको आप नीचे की तरफ लाना चाहते हो तो इस तरीके से नीचे की तरफ भी ले सकते हो दोस्तों। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा सा मैं अंदर आया, थोड़ा सा मैं इसको बाहर की तरफ ले आता हूँ, कुछ क्रॉप करते हुए यहाँ पर देखिए, क्रॉप पर क्लिक करते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए इस तरीके से चेंज हो चुका है। देन उसके बाद इस वाले शेप्स को आप इस तरीके से नीचे की तरफ भी ड्रैग कर सकते हो, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी क्रॉप कर सकते हो कुछ इस तरीके से। मैं इसको थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ पर क्रॉप कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ, और इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर देखिए। देन उसके बाद इसको आउटलाइन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो इस वाले शेप्स को। मैं यहाँ पर सिंपली आउटलाइन 1 PT 2 PT कर लेता हूँ यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद इस वाले इमेज को आप थोड़ा बहुत एडिटिंग करना चाहते हो तो आप आसानी से कर सकते हो। फॉर्मेट पर जाइए, इस वाले इमेज को क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद सिंपली फॉर्मेट पर जाइए। फॉर्मेट पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए कलर पर जाइए। कलर पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए पिक्चर्स कलर्स का एक ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक कीजिए पिक्चर्स कलर ऑप्शन। सिंपली पिक्चर्स कलर ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फॉर्मेट पिक्चर्स आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट पिक्चर्स का डायलॉग बॉक्स है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए सापनेस आप बढ़ा भी सकते हो कुछ इस तरीके से, आप इसको सापनेस बढ़ा देना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, घटा भी सकते हो। सिंपली मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कुछ 2 के आसपास, और ब्राइटनेस कुछ इस तरीके से बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ब्राइट हो रहा है पिक्चर्स का। देन कंट्रास्ट भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं प्रीसेट कलर थोड़ा सा दे देता हूँ कुछ इस तरीके का, और इसको सैचुरेशन में थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए। और टेम्परेचर आप बड़ा करना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, और मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आता हूँ, आप बढ़ा भी सकते हो कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ ले आता हूँ, और इसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और ड्रेस चेंज हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों आप भी इस तरीके से कोई भी इमेज का ड्रेस चेंज आसानी से कर सकते हो दोस्तों। आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।